हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कल के वीडियो में कि मैं आज बनाने वाली हूँ स्क्रैप बुक, सो ये मैंने बना ली है। एंड मैंने कुछ फ्रेंडशिप डे स्पेशल स्क्रैप बुक बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइक स्टेप बाय स्टेप उसका मैंने रिकॉर्ड किया है कि मैंने किस टाइप से बनाई है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप क्या कर रहे हैं? कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन है कि ऐसे ही मस्ती करें? नहीं, सच में कैमरा ऑन है। रुको, मुझे नीचे उतरने दो। मैं चली ना चींटियां निकालने में, आज काफी लगी हुई थी आफ्टरनून से। ओके, चींटियां निकाल रहे थे? हाँ, कहाँ? पता नहीं, हर जगह से आ रही थी। देखो, पूरे का पूरा क्लीन भी कर लिया एंड पूरे का पूरा खाली भी कर लिया। यहाँ से आ रही, मतलब कहीं पर कुछ मीठा तो था ही नहीं, तो चींटियां तो को पता नहीं मीठे में नहीं आती, और चीज़ों में भी आती है। बट फाइनली मैंने देखो ढूंढ निकाला। यस, चींटियां ना यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जगह थी ना, वहाँ से यहाँ पे आ रही थी, तो यहाँ पर मैंने चोक लगा दिया। एंड पता है चींटियाँ ना, एक शुगर का ना पूरा पैकिंग था, मैंने ओपन ही नहीं किया था, ऐसे ही पड़ा था। वो लास्ट एक्स्ट्रा रहता है ना प्रोविजन हमारा, हाँ, तो उसमें वो पूरे पैकिंग के अंदर पता नहीं कहाँ से अंदर शुगर में चींटियाँ थी। ओ, पूरे पैकिंग के अंदर? हाँ, तो वहाँ पर तो क्या रहता है, पूरे पैकिंग ही रहता है, तो वहाँ पर तो मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ कि उस लास्ट वाले ड्रॉअर में भी रह सकती है चींटियाँ। तो वो पूरा निकाला, वो क्लीन किया, फिर यहाँ तो पूरा क्लीन करना ही था, वो क्लीन किया। देखो ये ब्यूटी बास्केट भी पूरी मैंने खाली की दोनों। ये देखिए, 4 घंटे का मैंने वर्कआउट फाइनली ये क्या रंग लाता है। अब मुझे लगता है कहीं से चींटियां नहीं आनी चाहिए। ये देखो तो ये देखिए, जब तक मम्मा डिनर बना रहे हैं मैंने ये सब कुछ डिक्लटर कर लिया, वहाँ पर सोफा पर पड़ा था तो, और यहाँ पे अच्छे से रख दिया है। एंड इन सब चीज़ों को मुझे करना है ऑर्गेनाइज DIY रूम में। बट एक्चुअली एक दो दिन से जो मैंने DIY किए हैं ना, और उसी वजह से DIY रूम थोड़ा सा मैसी हो गया है, तो वो सबसे पहले डिक्लटर करना होगा, उसके बाद ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करूँगी। एंड ये मैंने स्पिन व्हील भी बनाया ना, तो लाइक सारा सामान एंड एक्रेलिक कलर्स वगैरह वहाँ पर टेबल पर ही है। एंड अभी पहले मैं कर लूँगी डिनर, उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। वैसे ऑलमोस्ट बनने को ही आया है डिनर। तो ये देखिए, ये है मेरी स्क्रैप बुक। एंड A4 साइज़ की स्क्रैप बुक में कैसे होता है डिफरेंट पेजेस, आई मीन टू से डिफरेंट कलर के पेजेस, तो वैसे इसमें भी है, और नियॉन कलर्स भी है, लाइक नियॉन ग्रीन, नियॉन येलो एंड और भी बहुत से वेरिएशंस है कलर के। सो मैंने चूज़ किया कि हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज फर्स्ट पेज पिंक कलर का एंड पिंक इज़ माई फेवरेट कलर। एंड ये है सारे मेरे डिज़ाइनर शीट्स, एंड उसमें से कुछ तो ऐसे भी डिज़ाइन वाली शीट्स हैं, जैसे कि हम जब क्राफ्ट पेपर या फिर कोई डिज़ाइनर पेपर लेते हैं तो उसमें आता है ना कितने कलर्स है या फिर कितने डिज़ाइंस है, तो उसका जो फ्रंट पेज होता है ना वो भी मैं रखती हूँ, तो वो भी है कुछ। एंड इसमें मैंने ग्लू लगाया और पेस्ट कर दिया। लाइक मैंने ना पहले कट कर लिया था जितना साइज़ का मुझे चाहिए था उतना। एंड फिर ये है कुछ फ्रेंडशिप थीम स्पेशल स्टिकर्स। वैसे हम DIY स्टिकर्स भी कर सकते हैं, बट एज आई सेड कि स्क्रैप बुक में मैं जो चीज़ें करूँगी, लाइक स्टिकर्स हो गया या फिर डिज़ाइनर शीट्स हो गई, वो मैं DIY नहीं करने वाली हूँ। जैसे मैं जनरल में कैसे DIY करती हूँ, वैसे स्क्रैप बुक में सारे रेडीमेड थिंग्स यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो नेक्स्ट मैंने ये ट्रांसपेरेंट टाइप वाला डिज़ाइनर पेपर पेस्ट किया। एंड फिर ये कुछ और स्टिकर्स है, ये ना हमने कल ही लिए थे अगर आपको याद हो तो, स्टेशनरी शॉपिंग में। उसमें से ये वाला स्टिकर ना मुझे काफ़ी मस्त लगा। एंड अभी तक हमारी स्क्रैप बुक इतनी हुई है, लाइक उसका फर्स्ट पेज इतना हुआ है, इन प्रोग्रेस है। एंड ये वाशी टेप ना मुझे मस्त लगी यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, लाइक इसमें मॉइस्चराइज़र है, कोम है, लिपस्टिक एंड ऐसी कुछ मेकअप एसेसरीज भी है, दैन सेविंग मशीन भी है। फिर बस ब्लैक क्राफ्ट पेपर लिया, उसको कट किया, उसमें कुछ लिखा मैंने, फिर पेस्ट किया। एंड वैसे आपको स्क्रैप बुक ज़्यादा पसंद है, हम सारे रेडीमेड थिंग्स से करें वो ज़्यादा पसंद है, या फिर हम सारी चीज़ें DIY बनाएं एंड फिर करें वो ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अपकमिंग जो होगा वो मैं उस टाइप से बनाऊंगी। और ये है आउटलाइन पेन जिससे मैं अभी डॉट्स कर रही हूँ, ये गोल्डन कलर की है एंड पहले वाली स्काई ब्लू कलर की है। एंड अब कुछ और ऐड किया जाए तो ये है लेमन येलो क्राफ्ट पेपर्स। एंड ये स्टिकर्स ना मम्मा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए थे कल, सो हमने परचेस कर लिए थे। एंड यस, ये सेलो टेप कैसे रह सकती है, वाशी टेप। फिर यहाँ पे मैंने स्टिकर लगाया, फिर कुछ ना लाइक मुझे लग रहा था कि ऐसे ब्लैक कलर से आउटलाइन करते हैं, तो पेज की आउटलाइन करने की जगह मैंने इस टाइप से कुछ किया, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट वे किया। एंड वहाँ पर मैंने कुछ लिख लिया सेंटेंस। वैसे अगर आप भी ऐसा बना रहे हैं ना, तो आपको सेंटेंसेस जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, इनफैक्ट डिज़ाइंस वगैरह भी आपके हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि वाशी टेप्स हो गई, स्टिकर्स हो गए, फिर डिफरेंट कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये ना आउटलाइन पेन्स है जिससे मैंने बेस्ट फ्रेंड्स लिखा, और उसके बाद ये एकदम ही मेरे पास थिन पॉइंट वाले ब्लैक पेन है। ये बॉल पेन तो नहीं है,
बट ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। फिर बस ये मुझे ना प्लांट वाले इफेक्ट वाला लगा, तो मैंने सोचा इस टाइप से कुछ इसे पेस्ट करते हैं, काफ़ी मस्त लगेगा। और वो मैंने पेस्ट किया फेविकॉल की हेल्प से। लाइक मैंने यहाँ पे फेविकॉल भी यूज़ किया है एंड ग्लू स्टिक भी यूज़ की है। वो हमारे पास नॉर्मल ग्लू स्टिक होती है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये कुछ डिफरेंट कंपनी की है। और मैंने फिर ये जेली रोल पेन से इस टाइप से डिज़ाइनिंग की। एक्चुअली थोड़ा मैचिंग एंड कॉन्ट्रास्ट लगे ना, उसके लिए मैंने ऐसा किया कि वायलेट कलर के क्राफ्ट पेपर पर मैंने नियॉन ग्रीन जेली रोल पेन यूज़ की, एंड नियॉन ग्रीन क्राफ्ट पेपर पर मैंने वायलेट कलर की जेली रोल पेन यूज़ की। फिर वहाँ पर कुछ हैंडराइटिंग वाले स्टिकर्स पेस्ट किए एंड कुछ रैंडम स्टिकर्स भी पेस्ट किए, जो वही वाले सेट में आए थे ना, वही मैंने पेस्ट किए। और ये देखिए फ्रंट पेजेस को ना मैं कुछ इस स्टेप से यूज़ करती हूँ। मतलब आपने वो देखा ना, वो फ्रंट पेज में से मैंने थोड़ा सा पोर्शन कट किया और यहाँ पे लगाया। फिर ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टिकर्स ना मैंने वही फ्रंट पेजेस में से स्क्वायर कट करके फिर इस टाइप से कट आउट करके लगाए, तो लाइक काफ़ी मस्त लग रहा है। एंड ऐसे जनरली टाइप के स्टिकर्स मैंने देखे नहीं हैं, तो आई थॉट कि यूनिक लगेंगे। नाउ ये है आउटलाइन पेन, वो है पिंक कलर की। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, सारी आउटलाइन पेन्स ना ऑलमोस्ट वैसे लगती है सिल्वर कलर की, बट उसमें जो बॉर्डर होती है ना, वो जो हम जो कलर की यूज़ करते हैं वही कलर की होती है, तो मतलब काफ़ी अच्छी इफेक्ट देती है। एंड ये भी मैंने कटआउट करके ही लगाया है, क्लॉक वाला, लाइक थोड़ा सा विंटेज लुक दे रहा था। एंड ये भी विंटेज लुक दे रहा था। अभी इसको मैंने दे दी रेड बॉर्डर, क्योंकि ऊपर जो पेस्ट किया हुआ था वो भी थोड़ा सा रेड टाइप में था। एंड ये है वाइट जेली रोल पेन, एंड उससे ना मैंने कुछ रैंडम डिज़ाइंस की, फिर कुछ और स्टिकर्स पेस्ट किए। एंड बस फिर मैं वही सोच रही थी कि अब कुछ ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं है, सो आई फाउंड दिस। और इसमें से मैंने सोचा कि ये गिफ्ट वाला तो कट करना ही है, तो मैंने कट आउट करके फिर वहाँ पे पेस्ट किया। एंड ये कुछ ऐसा फ्रंट पेजेस में से राइटिंग भी होता है ना, तो उसमें मैंने पॉजिटिव वाइब्स कट आउट किए एंड उसको बॉर्डर्स भी दी, आई मीन आउटलाइंस दी। तो बस ऑलमोस्ट फिनिश होने को ही आया है। एंड बस ये जेली रोल पेन से मैंने आउटलाइन दे दी एंड डन। तो ये है हमारा आज का डिनर, पोटैटो सब्जी, राइस एंड होममेड बटर मिल्क। तो अभी मैं आ गई हूँ DIY रूम में, और जो सब चीज़ें मैसी थी ना, वो सब मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है, आई मीन डिक्लटर करके फिर ऑर्गेनाइज कर लिया। एंड अभी जो सब सोफा पर चीज़ें थी ना, वो मुझे करनी है ऑर्गेनाइज, तो वो सब चीज़ें मैं लेके आई। और अब स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ सारे फोल्डर्स। तो मैं ना ये सारी चीज़ें सर्विंग ट्रे में लेके आई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेके आनी थी। अब मैंने सोचा कि हाँ, ये जो फोर्थ स्टेप ऑर्गेनाइज़र है ना, उसका थर्ड और फोर्थ फिर से थोड़ा सा लाइक एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें और ऐड होने वाली है, जैसे कि ये सब है, देन ये कलर पेंसिल्स है, फिर ये क्रेयॉन्स है एंड बहुत कुछ। और यहाँ पर जो एक्रेलिक कलर्स थे उनकी प्लेस चेंज हो गई है, और एक एक्रेलिक कलर यहाँ पर रह गया, तो ये भी वहाँ पर रख दूँगी। तो ये सब कुछ कुछ इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे कलर्स रख दिए मैंने कुछ इस टाइप से ऑर्गेनाइज। यहाँ पर पीछे वो हम टी शर्ट पर कलर कर सकते हैं वाले स्केच पेन्स, देन कलर पेंसिल्स, मैजिक पेन्स है, और ये पेस्टल कलर्स है, आई मीन कलर पेंसिल्स, एंड साथ में ये सारे स्केच पेन्स, जेली रोल पेन्स, आउटलाइन पेन्स, क्रेयॉन्स, स्केच पेन्स एंड ब्रश पेन्स, तो सब कुछ यहाँ पे आ गया। और ये सारे पेंटिंग करने की चीज़ें यहाँ पे, एंड ये वाशी टेप्स को मैंने रख दिया वाशी टेप कलेक्शन में। और भी एक चीज़ यहाँ पर रखनी रही थी, वो है ग्लू स्टिक एंड फेविकॉल। दोनों डेकोरेशंस को रखना है फर्स्ट ड्रॉअर में। एंड ये सब ना मैंने अच्छे से फिर से डिनर करने के बाद ऑर्गेनाइज किया, फिर ये भी किया। एंड थर्ड ड्रॉअर तो वैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज था, जिसमें सारी हाँ मिनी जर्नल की थिंग्स हैं, ये देखिए। और एक चीज़ ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, जनरल कंपास इसमें कैसे होता है कि बाहर से ही हम शार्पन कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ अलग ही है। डिफरेंस ये है कि हमें ना ये बाहर निकाल के फिर शार्पन करना है, एंड ये है पूरा कार शेप का, ये बस है और ये कार है, कुछ रख सकते हैं। और इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑर्गेनाइज इन द सेंस मतलब रनिंग यूज़ के लिए नहीं किया है, क्योंकि ये नया है ना, तो मैं इसको थोड़े टाइम बाद यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन लाइक ऐसा स्टोरेज मैंने इसमें इरेजर शार्पनर रखा है, फिर इसमें इरेजर रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, फिर टर्न करते हैं।
पीछे की साइड, तो यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल्स थी तो मैंने वो रख दी। एंड ये स्क्रैप बुक ना मैं वो वाले फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजर में थर्ड और शेल्फ में रखने का सोच रही हूँ, तो देखते आता है कि नहीं आता है या फिर किस तरह से होता है। तो मैंने यहाँ पे रख दी एंड काफ़ी अच्छे से आ गई। डेक्यूपाज पेपर और वाटर ट्रांसपोर्ट शीट दोनों यहाँ पे रख दी एंड ये है मोच पोज। हाँ, तो फाइनली सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है। और वो स्क्रैप बुक आज हमने जो बनाई ना फ्रेंडशिप डे स्पेशल, उसको बनाने में तो बहुत मज़ा आया। एंड ऐसे ही हम स्क्रैप बुक्स भी बनाते जाएंगे। एंड वो क्या था, वो जो मैं जर्नल बनाती हूँ वो तो ऑफकोर्स बनाऊंगी, मिनी जर्नल भी बनाऊंगी एंड स्क्रैप बुक भी बनाऊंगी। स्क्रैप बुक पर सारी थिंग्स रेडीमेड होगी, लाइक क्राफ्ट की डिज़ाइनर शीट से लेके वाशी टेप, स्टिकर, सब कुछ रेडीमेड होगा जैसे कि आज आपने देख लिया। एंड जर्नल में स्टिकर्स, फिर वाशी टेप, सब कुछ मैंने जो DIY किया होता है ना वो होता है। कैसे लगा आपको ये ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ये देखिए ब्रश पेंस मैंने बॉक्स में से निकाल के इसमें रख दी एंड साथ में ये कलर पेंसिल्स है ना वो भी बॉक्स में से निकाल के इसमें रख दी। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हो गए।